अकाल जयपी माधव। हेलो दोस्तों, NNTV नागपुर न्यूज टीवी पर मैं मोहम्मद शहजाद एक बार फिर लेकर आया हूँ स्मार्ट सिटी की खोलने के लिए पोल। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, हमारा आज का तीसरा सेशन है। हम नागपुर स्मार्ट सिटी की लगातार पोल खोल रहे हैं। आज है दोस्तों हम आप विजयनगर में, विजयनगर नागपुर कलमना मार्केट। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, पूरे एशिया का सबसे बड़ा सब्जी मार्केट जिसे कहा जाता है कलमना मार्केट, उसके जस्ट पीछे में 500 मीटर की दूरी पर एक बस्ती है। जी हाँ दोस्तों, विजयनगर कलमना बस्ती है, नागपुर स्मार्ट सिटी जिसे कहा जाता है। यहाँ हम हैं अभी ईस्ट नागपुर में, जहाँ के आमदार है कृष्णा खोपड़े जी, और ये पूरा एरिया जो है बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अभी दोस्तों हम आपको दिखाएंगे, और यहाँ के जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा परेशान हैं पिछले 30 सालों से। यहाँ गवर्नमेंट को डिमांड भी भर चुका है, हर किसी के पास अपने घर की रजिस्ट्री भी है, ऐसा भी नहीं है कि ये लेआउट वाले की प्रॉब्लम है। दोस्तों हर किसी के पास घर की रजिस्ट्री है, लोग टैक्स पेड करते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन 25 से 30 साल तक यहाँ रोड नहीं बनाए, रोड तो नहीं बनाए दोस्तों, लेकिन उसके अलावा यहाँ पीने का पानी भी गवर्नमेंट ने अभी तक मुहैया नहीं कराई है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बढ़िया बड़ी बात आपको बता रहे हैं, ये है हमारे पूरे इंडिया के मंत्री है नितिन गडकरी जी, उनका लोकसभा का क्षेत्र है ये। जी हाँ दोस्तों, ये एरिया को पूरा बीजेपी का गढ़ माना जाता है, यहाँ के लोग बीजेपी को लोकसभा में भी वोट करते हैं, विधानसभा में भी वोट करते हैं, और ये एरिया से 4 नगर सेवक बीजेपी से है, और नागपुर महानगर पालिका में बीजेपी की सरकार है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इन लोगों की 25 साल से कोई सुनवाई नहीं हुई है। आइए हम आपको दिखाते हैं और लोगों से बात कराते हैं। ये देखिए दोस्तों, पूर्व नागपुर प्रभाग ये अभी हम प्रभाग 4 में, ये देखिए दोस्तों नागपुर स्मार्ट सिटी के खूबसूरत नजारे, और ये जो ड्रम है ये किसी के घर, यहाँ पर शादी ब्याह नहीं है, ये यहाँ रोज का मामला है। यहाँ पे पीने का पानी भी लोगों को नहीं नसीब होता है, एक दिन की आड़ में यहाँ पर टैंकर आता है। देखिए चलने में भी प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, ये कोई ग्रामीण का सीन नहीं है दोस्तों। बहुत सारे अंधभक्त हमारे हमें मैसेज दे रहे हैं कि ये रिपोर्टर जो है नागपुर में ग्रामीण का सीन दिखा के सिटी को बदनाम कर रहा है। हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है दोस्तों, नागपुर हमारा अपना सिटी है, हमारा प्यारा सिटी है। हम सिर्फ, हमारा ये न्यूज दिखाने का मकसद है कि हमारा नागपुर खूबसूरत बन जाए, और नागपुर के नाम पर करोड़ों रुपए की जो हेरा फेरी हुई है उसे हमें सामने लाना है। स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों रुपए जो खाए जा रहे हैं उसे हमें सामने लाना है। ये देखिए दोस्तों, ये प्ले ग्राउंड है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलेंगे, यहाँ से कोई धोनी बनके निकलेगा, कोई सचिन तेंदुलकर बनकर निकलेगा, कोई सौरव गांगुली बनकर निकलेगा, कोई सुनील गावस्कर बनके निकलेगा। देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत ग्राउंड है, यहाँ पूरे चारों तरफ लाइट लगे हुए है। ये स्मार्ट सिटी का ग्राउंड हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये प्ले ग्राउंड है, यहीं से रोनाल्डो बनेंगे, यहीं से सचिन तेंदुलकर बनेंगे, यहीं से सौरव गांगुली और यहीं से MS धोनी बनेंगे। ये ग्राउंड का खूबसूरत नजारा है, इतना प्यारा ग्राउंड स्मार्ट सिटी का आप देख सकते हैं दोस्तों। ये नितिन गडकरी जी का स्मार्ट सिटी है, सपना है नितिन गडकरी जी का। ये देखिए दोस्तों, यहाँ की पब्लिक इतनी ज्यादा परेशान है कि कुछ हम आपको पोस्टर्स बताते हैं। स्मार्ट सिटी के नाम से भ्रष्टाचार, देखिए दोस्तों गटर लाइन नहीं है, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, गटर लाइन नहीं है, सड़क भी नहीं है। देखिए दोस्तों पीने का पानी तक नहीं है। पूर्व नागपुर, ये पोस्टर आगे लाइए, पूर्व नागपुर समझिए, पूरा अच्छे से पकड़िए अपने हाथ में, पूर्व नागपुर प्रभाग नंबर 4। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमें कंप्लेंट कर रहे हैं कि हम नागपुर ग्रामीण का सीन दिखा रहे हैं,
ये सिटी है दोस्तों, नागपुर सिटी में रहने वाले ये लोग है, ये सब टैक्स भरते हैं, अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई का पैसा गवर्नमेंट को देते हैं ताकि गवर्नमेंट इनको सड़क दे, पानी दे, बिजली दे, लेकिन इनके पास में सड़क नहीं है, इनके पास पीने को पानी नहीं है, एक दिन की आड़ में टैंकर आता है। अभी यहाँ हम लोकल रहवासी से बात कराना चाहेंगे, आपका नाम बताइए। मेरा नाम दुर्गेश साहू, थोड़ा जोर के बोलिए। विजयनगर प्रभाग कांग्रेस कमेटी का यूजर है। आपकी समस्या बताइए। हमारी समस्या ये है कि आज तक प्रभाग चार में हम रह रहे हैं और हमको किसी चीज का सुविधा नहीं मिला। किसी चीज का भी सुविधा नहीं मिला हुआ है, ना सड़क, ना गटर लाइन, ना नल लाइन, ना किसी चीज का भी, एक चीज का भी लाभ नहीं हुआ गया है। और यहाँ पे चुनाव के समय आमदार कृष्णा घोपड़े, नगर सेवक यहाँ के सभी आते हैं, बड़े बड़े आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन चुनाव को जैसे ही खत्म होता है वो लोग जीत जाते हैं, उसके बाद में यहाँ पे पैर भी नहीं रखते है। ऐसी ऐसी समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। कभी गाड़ी टू व्हीलर अगर चलता है तो उस गाड़ी से सड़क पे फिसल कर व्यक्ति गिर जाता है, मुख्य मार्ग से पीड़ित व्यक्ति कई ऐसे गिरे हुए हैं जिसके रीढ़ के हड्डी टूट गए हैं। ऐसी हमारे सड़क का परेशानी है। और पानी का तो इतना सुविधा मारा मारी चलता है कि टंकर मुक्त करो, हम कई बार नारा लगा चुके हैं लेकिन यह कभी हुआ ही नहीं है, आज तक हुआ नहीं है। अच्छा, आप में से कोई बात करना चाहेगा? बोलो, हमारा विकास होना चाहिए, बोलना बस्ती का। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ लोगों में कितना आक्रोश है, स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों को जागरूक बनाया जा रहा है। नागपुर के सिर्फ थोड़े से एरिए में ब्रिज बना देने से, सीमेंट रोड बना देने से पूरा शहर स्मार्ट सिटी में। मेरा आपका नाम बताइए। जानवी डंकर जी, आप यहाँ कब से रह रही है? यहाँ पे आए हम 2007 से आए। 2007 से, उसके पहले यहाँ पे रोडों की क्या हालत थी? बहुत बेकार था और आज भी वैसा ही है। आज भी वैसा ही है। 2007 मतलब 23 साल से आप यहाँ रह रहे हैं, सॉरी 13 साल से आप यहाँ रह रहे हैं। 13 साल में कोई सुधार नहीं है, उसके पहले 5 साल पहले प्लॉट लेके रखे हैं। अच्छा, उसके बाद आए 2007 में। अच्छा, आप नागपुर सिटी में रहते हो, जैसा अगर आप किसी और शहर में गए अपने रिश्तेदार के यहाँ तो आप बताते होंगे हम नागपुर से आए हैं, तो वो बड़ा गर्व महसूस करते होंगे कि नागपुर से आए हैं। यहाँ पे आने के बाद नाक कट जाती है हमारी। लेकिन वही मेहमान जब आपके घर में आएगा तो आपको ऐसा फील होता होगा कि आप किसी ग्रामीण एरिया में रहते हैं। ग्रामीण भी इससे अच्छा है सर। अच्छा, ग्रामीण इससे अच्छा है? अगर आप छत्तीसगढ़ में पा रहे हैं तो महाराष्ट्र से अच्छा। लोकसभा क्षेत्र है तो कभी आप पूरी बस्ती वालों में मिलकर नितिन गडकरी जी को कोई ज्ञापन वगैरह दिए क्या? कई बार दिए। तो नितिन गडकरी जी ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जी? नहीं। और आपके आमदार है कृष्णा घोपड़े जी, उनका क्या कहना है? नहीं, वो भी आते हैं बस हवा बोलते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। विकास के नाम पर आपकी सिटी बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमारी मेहनत की कमाई का पार्ट नहीं लेते। अच्छा, नक्शे में तो पहले नहीं बताए कि ये 5 फुट जाएगा तुम्हारा करके, अभी वो 5 फुट का भुगतान कौन देगा? अच्छा, एक बात बताइए, जैसा लोकसभा से भी बीजेपी है, विधानसभा में भी आपने आमदार बीजेपी का चुन के दिया, और आपके एरिया में 4 नगर सेवक कौन से पार्टी से है? भाजपा। बीजेपी, तो ये तो पूरा बीजेपी है, आप लोग कंटिन्यू बीजेपी को वोट देते हैं, तो आप लोग डेरिंग से जाके हक क्यों नहीं मांगते? अगर टैंकर के लिए भी फोन लगा तो क्या बोलते हैं, आप कौन हो, आपके औकात क्या है बोलते हैं, फोन भी करो तो। अच्छा, आपकी औकात बताते, कौन बताता है? वो बोलता है राजकुमार चलोकर कौन हो, कौन सी बस्ती से हो, वोट मांगने के समय बराबर आता है वो, और देने के टाइम नहीं आता है, जानता भी नहीं है, जानता नहीं है, हम लोग चाहते हैं बात करने की तमीज नहीं है उसको। अच्छा, कुछ भी बोलो, बात करने की तमीज नहीं है चलोकर। ये तो बहुत तकलीफ देने वाली बात है दोस्तों, कि एक नगर सेवक जो है, एक हमारी बहन लेडीज से इस तरीके से बदतमीजी से, और पूरे बस्ती वालों की ये कंप्लेंट है क्या? देखिए दोस्तों, आप सुन सकते हैं कि कितनी दुखद बात है कि एक तो आप ना लोगों को चलने के लिए अच्छी सड़क दे रहे हो, और ना आप पीने के लिए पानी दे रहे हो, और वही वोटर जिन्होंने आपको वोट किया है लोकसभा में, विधानसभा में, और नागपुर महानगर पालिका में आपके 4 कॉर्पोरेटरों को चुन के दिया है, अब जब वही वोटर अपने हक मांगने जाता है तो आप उनसे बदतमीजी से बात करते हो, ये कौन सा तरीका है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का? और हमारी कोई बहन बात करना चाहेगी? मंजूपाल,
बोलना। आपका नाम बताइए। मंजू पाल जी, आप यहाँ जो है विजयनगर में कब से रह रही हैं? मुझे 15 साल हो गए। 15 साल हो गए, तो 15 साल से यहाँ के रोड पानी की क्या हालत है? 15 साल में आज 15 साल पहले वैसा ही था, 15 साल बाद भी वैसी है। 15 साल पहले भी वैसी था, 15 साल बाद भी वैसी है। वैसी ही है। तो आपके एरिया में जैसा बीजेपी का पूरा ये गढ़ है, आप लोग लगातार 25-30 साल से बीजेपी को वोट करते हैं, तो आप लोग हक से जो है काम क्यों नहीं कराते? कहाँ हक से मांगने जाएंगे? कृष्णा खोपड़े के पास जाएंगे कि नगर सेवक के पास जाएंगे? नगर सेवक के पास जाते हैं, वो भी दो बात सुनाते हैं। कृष्णा खोपड़े के पास जाते हैं, आपको पहचानते नहीं, विजयनगर को पहचानते नहीं, हमको विजयनगर से वोट नहीं मिलता है, तो हम किस हक से जाए उसे मांगने? आते हैं तो लेकर तो बड़े हिसाब से जाते हैं कि हम सब कुछ करेंगे, नल देंगे, गटर देंगे, रोड देंगे, कहाँ गया वो सब? हाँ, वोट जीतने के बाद में बस्ती भी याद नहीं रहता उसको कि विजयनगर कहाँ है, धर्मनगर कहाँ है। बरसात आती है, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं वहाँ से गिर कर आते हैं, तो यही है क्या उनका बीजेपी का सरकार? अच्छा एक बात बताइए, आपके जो बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये बच्चे कहाँ कहाँ स्कूल जाते हैं? यहाँ स्कूल कितने दूर है? स्कूल ये पास में है, और मेरी बच्ची जाती है गुलमोहन नगर पढ़ने को, और पूरा रोड भरा है चिखले से, पानी से, गड्ढा है बड़े बड़े। मेरी बच्ची दो बार गिर गई है गड्ढे से, अब मरते मरते बची है उस गड्ढे से। ऐसी है बीजेपी के कारनामे। तो बताइए दोस्तों, देखिए आप देख सकते हैं लोगों में कितना रोष है, कितना गुस्सा है। तो हम नागपुर न्यूज टीवी के माध्यम से प्रशासन से यह अपील करेंगे कि इस ओर ध्यान दिया जाए, जल्दी से जल्दी विजयनगर का रोड बनाया जाए। और आप बोलिए, एक साल से मेरे घर के पास कुआं पड़ा है, सेलो करने कहा था कि कुएं को तोड़वा दो, मैं उसमें भरण डाल देता हूँ। हमने क्या किया, भरा कुएं को तोड़वा दिए, तोड़वाने के बाद में एक ही गाड़ी उसने डाला है कुएं में भरा, फिर बोलता है कि पैसा लाकर आप चंदा करो और उसमें भरण डाल दो कुएं में। अब मैं नहीं डाल सकता, तो अगर उसको नगर सेवक के पहले अगर ऐसे ही बोलता था कि पैसे से पैसा डालो और खुद कुएं में डालो, तो हम क्यों नगर सेवक चुनेंगे, क्यों उनको वोट देंगे? उससे अच्छा तो हम खुद नगर सेवक पैसे से ही चुनेंगे। अच्छा एक बात बताइए, अभी सिर्फ साल और डेढ़ साल बचा है अभी अगले नगर सेवक के लिए, तो अगले नगर सेवक को चुनने के लिए आप लोगों के दिमाग में कुछ स्ट्रेटजी बनी है? अपने में से किसी को आप चुनाव लड़वाइए और जितवा के उन्हें भेजिए नागपुर महानगर पालिका में। तो चप्पल का हार पहनाएंगे लोग, चप्पल का हार पहनाएंगे। अगर जो अभी नगर सेवक यहाँ पर में वोट मांगने आएगा, तो यहाँ पब्लिक का ऐसा कहना है कि चप्पल का हार पहनाया जाएगा, उनका स्वागत पान पराग से किया जाएगा। ये भैया का थोड़ा ले। आइए, नमस्कार, नागपुर राजेश सुनकर साहू साहब, सुनकर साहू साहब आप बताइए कब से रह रहे हैं आप यहाँ? मेरे को कम से कम 20 साल हो। दूर दूर रहिए बेटा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। 20 साल से आप? अच्छा, ये एरिया हमारे दर्शकों को बताइए, अभी हम कहाँ पर है? हम ये एरिया नवा शीतला माता मंदिर, ये नागपुर में है, पूर्व नागपुर सिटी में है। कलंगा यहाँ से कितने दूर है? कलंगा मार्केट 1.5 किलोमीटर के अंदर अंदर है। क्योंकि कई दर्शक ऐसे हैं जो हमारे मोदी जी के भक्त है, वो वीडियो देखने के बाद ये कहते हैं कि रिपोर्टर जो है गलत वीडियो दिखा रहे हैं, इसीलिए आप बताइए आप नागपुर सिटी में हो। अरे वीडियो रिपोर्टर जो बोलता है वो गलत है। हाँ, वीडियो रिपोर्टर जो बोलता है वो गलत है। कैसा है कि सामने में कम से कम हम जो वीडियो का भी कर रहे हैं, हाँ, तो सामने नगर सेवक आने को होना, आने को होना। अभी हम नागपुर सिटी में है प्रॉपर, ये लोगों को बताइए। हम नागपुर सिटी में आज ये। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पीने का पानी नल है क्या? नहीं, पीने का पानी नहीं है। हम हाथ धोते हैं, पेशाब करते हैं, छत्तीसगढ़ी आदमी हो थोड़ा हिंदी सुधार के बोलते हैं, है ना। यहाँ गटर यहीं तक किया है, मेरा घर थोड़ा यहाँ से 2 कदम। अच्छा, गटर लाइन भी आगे नहीं है क्या? यहीं तक ही सीमित है। यदि आप चाहते हो नगर सेवक के पास में चलना है, तो मैं तो चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे को नगर सेवक ढूंढना पड़ता है। घंटा मारता बोले तो कैसा इसमें से कि मूल जिस तरीका से अपने को जैसा अपन, मैं खुद नगर सेवक कहने के मतलब है ना, अपन किसी के कहने अपन गए, जैसा आप आए हुए हो मेरे से सवाल जवाब कर रहे हो, है ना। मेरा घर दूर है, चल के देखिए थोड़ा सा,
तो वहाँ अपन थोड़ा से चर्चा करें तो और कुछ मजा आएगा, है ना? चलते हैं, चलो चलते, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये लोगों में कितना रोष है। और मेरा नाम डायरेक्ट, मैं किसी ना मीडिया से डरता हूँ, ना कोई नगर सेवा, ना कोई पुलिस से डरता हूँ। देखिए दोस्तों, लोगों में इतना ज्यादा रोष है कि लोगों में यहाँ डर खत्म हो जा रहा है। अभी हमने आपको बताया पीछे ग्राउंड, ये छोटे छोटे बच्चे, ये देखिए दोस्तों, ये कहाँ खेलेंगे, ये जब स्कूल जाएंगे तो ये कैसे स्कूल जाएंगे दोस्तों? यानी हम गवर्नमेंट क्यों चुनते? लोकसभा क्षेत्र है ये नितिन गडकरी जी का, ये विधानसभा क्षेत्र है किराना खोपड़े जी का, बीजेपी से 4 नगर सेवक यहाँ पर है और लगातार 25 से 30 साल से है, उसके बाद भी यहाँ के इतने बुरे हाल है। दोस्तों अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इन लोगों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो सके। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे नए चैनल को नागपुर न्यूज टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की बटन को दबाइए ताकि हर आने वाला लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी तुरंत सबसे पहले मिल जाए। कैमरामैन शेख परवेज के साथ, मेरे साथी तौफीक के साथ, मैं मोहम्मद शहजाद, NNTV नागपुर न्यूज टीवी। जय हिंद, जय हिंद। चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं शेख परवेज नागपुर न्यूज टीवी से आपके साथ। अभी हम मौजूद है विजयनगर में, जो पूर्व नागपुर में आता है, कलमना से मात्र 500 मीटर की दूरी पे। यहाँ की बस्ती की हालात बहुत ज्यादा परेशान है और बहुत ज्यादा खस्ता हाल में रह रहे हैं यहाँ के लोग। आप देख सकते हैं किस तरीके की गंदगी यहाँ पे मौजूद है, किस तरीके की परेशानियों से जूझ रहे हैं। ये लोकसभा क्षेत्र आता है माननीय नितिन जी गडकरी का, और कृष्णा खोपड़े जी यहाँ के विधायक है। 4 कारपोरेटर अभी जो मौजूद है वो भी बीजेपी के हैं। और यहाँ के लोगों को, जैसा आप देख रहे हैं, ये मंदिर है, इस मंदिर में लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करने आते हैं, वो किस तरीके से आएंगे आप इस तरफ देख सकते हैं। चारों तरफ गंदगी का आलम है, किस तरीके से परेशानी से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। मैं आपको और आगे की फोटोज दिखाऊंगा कि इस मंदिर के चारों तरफ किस तरीके का हाल है, किस तरीके का हाल है। फोन आ गया है, यहाँ से हमारे ऊपर कार्रवाई बैठी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर। और यहाँ के कारपोरेटर, स्थानीय कारपोरेटर जो है, वो यहाँ के बस्ती वालों को वो बोलते हैं कि कौन सा विजयनगर, कहाँ का विजयनगर, हम नहीं जानते, हम नहीं पहचानते। आप देख सकते हैं यहाँ के हालात, यहाँ के किस तरीके की परेशानियों से जूझ रहे हैं यहाँ के लोग, किस तरीके से मजबूर है अपनी परेशानियों को लेकर। अभी जैसे देश में कोरोना जैसी महामारी फैली है, आप देख सकते हैं ये इस तरीके की महामारी, अगर इस तरीके की गटर लाइन पानी है और इस तरीके की परेशानियों से ये लोग जूझ रहे हैं। जैसे यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें बताया, यहाँ गटर तक की सुविधा नहीं है और यहाँ पानी भी नहीं आता है। लोगों के घरों में टैंकर आते हैं यहाँ एक दिन के, अगर वो टैंकर यहाँ इस गंदगी से, रोड नहीं बने हैं, पानी कीचड़ से अगर ना आ पाए तो यहाँ के लोगों का गुजारा बसर कैसा होगा। मैं शेख परवेज नागपुर न्यूज टीवी से, कैमरामैन शेख तौफीक के साथ।